इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू बीबी न्यूज। क्रिकेट के मैदान पर अक्सर एक से बढ़कर एक कारनामे देखने को मिलते हैं। कभी कोई टीम पहाड़ सा स्कोर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, तो कभी ऐसा होता है कि टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाती है। कुछ ऐसा ही विमेन्स सीनियर वनडे ट्रॉफी के मुकाबले में हुआ है और इस मुकाबले में मुंबई ने नागालैंड को 10 विकेट से हराया। और गजब की बात तो यह है कि उसने जीत सिर्फ मात्र 4 गेंदों में हासिल की। इंदौर के होलकर स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में नागालैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 17 रन बनाए। मुंबई की मजबूत टीम ने यह लक्ष्य महज 4 गेंदों में हासिल कर लिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वनडे मैच में नागालैंड की टीम 17.4 ओवर में ढेर हो गई। नागालैंड की टीम की ओर से कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। टीम की 6 खिलाड़ी शून्य पर पवेलियन लौटे। नागालैंड के लिए सरीबा ने सबसे ज्यादा 9 रन बनाए और उसके बाद दूसरा सबसे स्कोर अतिरिक्त रनों से आया है। नागालैंड को वाइड से 3 रन अतिरिक्त मिले हैं। आपको बता दें कि महज 18 रनों के लक्ष्य को मुंबई की ओपनरों ने महज 4 गेंदों में ही बना डाला। ईशा ओझा ने 4 गेंदों पर 13 रन और वरुशाली भगत ने 1 गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। 1 गेंद नो बॉल थी जिसके बाद मुंबई महज 4 गेंदों में ही मैच जीत गई। बता दें कि इस टूर्नामेंट में ये नागालैंड की लगातार तीसरी हार है। इससे पहले मध्य प्रदेश के खिलाफ भी नागालैंड की टीम महज 27 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और पंजाब के खिलाफ भी नागालैंड 55 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। नागालैंड तीनों मैच में 10 विकेट से हारी है। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की खबरें पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।